है उसको त्यागना है, तो ऐसी क्या बात है। तो महाराष्ट्र के लोग भी हैं, आंध्र से भी हैं, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, गुजरात से है, यूपी से है। यूपी तो मान लो कि 23 करोड़ की बस्ती है, इसका मतलब कि हमारे गुजरात तो 6.5 करोड़ की बस्ती है, तो ये यूपी 4 गुजरात बन जाता है। इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा एरिया है। तो यहां से आए हुए सब लोग हमारे अंदर, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, फिर भी तथागत ने जो बात कही हुई थी तो हमारे अंदर जो अच्छे कर्म है, बुरे कर्म वाले भी आज शासन प्रशासन में आ गए हैं। अच्छे कर्म वाले जो अशोक का शासन था वो लोग भी हैं। उन लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि हमें वापस इस देश को, भारत को बुद्धमय बनाना है। तो ऐसे जिन लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है, लेकिन जो हमारा संगठन है, जो बुद्ध का, बुद्ध के विचारों के नेतृत्व में, सिद्धांतों के नेतृत्व में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सबके दिमाग में एक बात हुई कि हमें धर्म के लिए एक जगह इकट्ठा होना है। लेकिन वे लोग हैं जो हमारे महापुरुषों को मानते थे, हमारे महापुरुषों को उसने पढ़ा, चिंतन किया, उसके बाद वो धर्म की बात समझे, तथागत की बात समझे। हम जो यहाँ लोग हैं वो परंपरा वाले बौद्धिस्ट नहीं है। इसका मतलब कि हमारे अंदर कुछ बातें आई जो हमने सीखी, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे कि जो हमको सिखा कर गए, लेकिन जैसे बाबा साहब ने बहुत सारी बातें लिखी धर्म के बारे में और हमारे महापुरुषों के बारे में, उसकी वजह से आज हम ये सोचने पर मजबूर हो गए और एक स्टेज पर अलग अलग स्टेज के लोग यहाँ आए हुए। अगर हमारे अंदर, हम बहुत विज्ञान के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, आगरा से विमल साहब से या सिद्धार्थ साहब से, हम जामनगर से बात कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, लेकिन तथागत ने हमारे अंदर ये सोच पैदा कर दी कि अपने आप को भी पहचानो। तो हम लोग ने अपने आप को पहचान कर, हमारे जो विचारधारा के लोग हैं, धर्म को मानने वाले, धर्म को आचरण में लाने वाले लोग हैं, जो अपना नाम भी चेंज किया हुआ है, अटक भी सरनेम भी चेंज किया हुआ है और बौद्ध धर्म को अपनाए हुए है, ऐसे लोग एक संगठन में एक जगह आकर जो निश्चित सत धर्म की ओर समाज को ले जाना है, उस दिशा में हम जा रहे हैं। अगर ये संगठन है उसका कुशल नेतृत्व भी हमारे जो बड़े अच्छे, सारी ये उम्र तो ज्यादा नहीं है, फिर भी उनके अंदर मैं घर पर गया था सिद्धार्थ साहब के, कम से कम 10-15 लाख के उसके यहाँ तो लाइब्रेरी है और उसका रीडिंग भी इतना ही है। तो ऐसे जब कुशल नेतृत्व के साथ हमारा ये बौद्ध धर्म का ये संगठन राष्ट्रीय लेवल पर आगे बढ़ रहा है, और हमने कल देखा कि अध्यक्ष के तौर पर हमारे सिद्धार्थ साहब ने बहुत सारी बातें रखी है कि 2 साल में हमने क्या पाया है, हम क्या कर सके हैं। ठीक है कि कोरोना काल के अंदर हम प्रैक्टिकली आज मिल रहे हैं 2 साल में, और इस वजह से हमारे संगठन को काफी जो आगे बढ़ने का अवसर था वो गवा दिया था। फिर भी बुद्ध पूर्णिमा हो या और 26 दिसंबर हो या 14 अप्रैल का हो या हमारे महापुरुषों की जो हर महीने कोई ना कोई दिन जो आते रहते हैं त्योहार या उसके जन्मदिवस या उसके परिनिर्वाण दिन, तो हम मोबाइल के जूम के माध्यम से, मीट के माध्यम से मना रहे हैं। हमारे बच्चों ने 2 साल में क्या किया है उसको भी हम नजदीक ला पाए, उसको हम ज्ञान दे रहे हैं। हमारे महिला है जो उनको ये झुमके मीट के माध्यम से हम
एक जगह एक बात रखने का मौका दे रहे हैं, जिसका मतलब जैसे भिक्षुणी संघ था वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज, हमारे बौद्ध धर्म के अंदर, परिवार के अंदर, बौद्ध परिवारों के माध्यम से हम जो एक देश के अंदर बड़ा प्रभावशाली एक समाज बनाना चाहते हैं, उस समाज की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हमारे संगठन के और लोग, हमारे जो समिति के सभी सदस्य हैं, हमारे स्टेट लेवल के जो साथी हैं, सब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमें भारत को बौद्धमय बनाना है, और उसके लिए हमारे अंदर एक जो सोच पैदा हुई है, उस सोच के माध्यम से ही हम आज जैसे नेटवर्क काम कर रहा है, तो हमारे सबका नेटवर्क काम कर रहा है। इसी वजह से आज हम हमारे भिक्षु संघ या हमारे सिद्धार्थ जो काम कर रहे हैं, उसके साथ हम धर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो जैसे अभी कोरोना काल गया, हम जानते हैं कि उसके अंदर रस्सी, उसका डॉट था, वो भी हमने लगवाने की सरकार ने बोला कि लगाना है तो कर रहे हैं। लेकिन वो तो शारीरिक रूप से अंदर जो जो रोग है उसको निकालने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए रहे। लेकिन ये जातिवादी सोच की जो रस्सी थी, तो वो तो बाबा तथागत ने वो 2000 साल पहले दे दी थी। फिर भी ये हिंदुइज्म की जो सिस्टम है, बहुत सारे साइंस को समझते हुए भी वो जो आज कोरोना की रस्सी ली, वो तथागत ने दी थी कि जाति भेद है उसको खत्म करो, और नैतिकता का आचरण धर्म के माध्यम से करो, वो जीवन नहीं बना रहे। इस देश की हमारे सामने हालात है कि उसके अंदर नैतिकता का नाम नहीं है, और हमारा जो धर्म है वो नैतिकता के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी दिशा में आज हम समाज को बनाने, समाज के अंदर एक नेतृत्व को पैदा करने जा रहे हैं, और समाज की सोच को बनाकर हम भारत को बौद्ध में बनाने की जो पहल करके हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है, उसके लिए सबको मंगल कमने के साथ हमारे जो यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं हैं, उसके लिए भी मंगल कामनाएं करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। देवी नमो। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर निशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।